गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज इस वीडियो में 11 नवंबर 2018 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 4 बजे आप लोग का करंट कैप्सूल आता है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक घंटी का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मॉर्निंग में 4 बजे की जो वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर 2018 को गंगा नदी पर पहले बहुल मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर है चौथा, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीडीसी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कितने नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो यहां पर जो नियुक्त किए गए हैं वो लगभग 3 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे नंबर पर 3, वो आपका करेक्ट है। नाम बता देता हूँ, पीके दास, अखिलेश रंजन और नीना कुमार। इसके अलावा सीबीडीसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुशील चंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने उर्दू संस्कृति और इसकी विरासत का जश्न मनाने के लिए एक उत्सव जिसका नाम है जश्न ए विरासत ए उर्दू, इसकी घोषणा की है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दिल्ली, दिल्ली सरकार के द्वारा ये चीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि एक व्यक्ति पर समान अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या दंडित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, आर्टिकल 20 के अंतर्गत 20 में ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में 65 किलो के वर्ग में दुनिया में नंबर 1 की जो रैंक है उसको हासिल की है? तो यहाँ पर जो उत्तर है वो है बजरंग पुनिया, ठीक है। और जो सेकंड स्थान पर है वो क्यूबा के एनरिक नाम है उनका, अलेक्जेंड्रो एनरिक, वो सेकंड स्थान पर हैं और बजरंग पुनिया जो है वो पहले स्थान पर हैं, 65 किलो के वर्ग में दुनिया के रैंक के अंतर्गत 1 रैंकिंग है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने राज्यों में चुनाव आयोग ने 12 नवंबर से एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर उत्तर है पहला, 5 राज्यों पर। 5 राज्य में छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर जो है एग्जिट पोल पर रोक लगा दिया गया है। एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है? ये जो है सर्वेक्षण होता है एक प्रकार का, जब मतदान केंद्रों से बाहर निकलने के बाद जो मतदाता होते हैं उन पर सर्वेक्षण किया जाता है तो उसे एग्जिट पोल बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और किसने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है तीसरा, अलीबाबा। अलीबाबा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशन का, वो दोनों मिलकर जो है सतत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साझेदारी कर रहे हैं और उसके तहत जो ये दोनों लोग हैं या दोनों ये संस्थाएं हैं ये मिलकर एक मैप भी जारी करेंगे, डेवलप करेंगे, जिसका नाम है रहेगा डिजिटल वर्ल्ड हंगर मैप। उस मैप में देखा जाएगा कि मतलब कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन सा रीजन है जहाँ पर हंगर ज़्यादा है और उस मैप में आपको दिखाया जाएगा हंगर के जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर 2018 में कितने प्रतिशत बढ़ चुकी है? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, 6.9%। ये अक्टूबर 2018 तक के आंकड़े हैं और ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी की रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से पत्रकार ने हाल ही में साहस के लिए 2018 प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? तो आंसर है तीसरा, श्वाति चतुर्वेदी। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है IMA ट्रोल, उसके लिए इन्होंने ये चीज़ जीता है जिसका नाम है साहस के लिए 2018 प्रेस फ्रीडम अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर है तीसरा, अशोक कुमार गुप्ता को। CCI से बोला जाता है प्रतिस्पर्धा आयोग को, ओके।
और यहाँ पर ये जो जगह लेंगे यानी कि इससे पहले जो इनके पद पर थे, इस पद पर उनका नाम था सुधीर मित्तल, तो उनकी जगह ये लेंगे। और ये जो CCI है यानी कि प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना अक्टूबर 2003 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नवंबर 2018 को किस शहर में ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है चौथा, नई दिल्ली में। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये चीज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर, ऑप्शन दो। और प्रधानमंत्री भारत के वो 14 नवंबर को यहाँ पर जा रहे हैं। और ये जो EAS है यानी कि ईस्ट एशियन समिट यानी पूर्व एशिया शिखर जो है सम्मेलन, ये एशिया प्रशांत क्षेत्रों का एक मंच है। और इस ये जो है 2005 में स्थापित हुआ था। और इसमें जो कंट्री शामिल है उनके बारे में जान लीजिए, एक तो आपका दक्षिणी कोरिया शामिल है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चाइना और भारत। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए, भारत और चाइना दोनों इसमें शामिल हैं, इसके साथ साथ USA भी है, और 10 जो आसियान देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में। तो जो आपका रीजन है एशिया प्रशांत क्षेत्र का, उनके लिए एक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा, 10 नवंबर को। और इस बार जो थीम है 2018 के लिए वो है साइंस ए ह्यूमन राइट, ये है इस बार का थीम। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मॉर्निंग में 4 बजे आप लोग की करंट अफेयर की वीडियोज़ आती है, और रात में 10 बजे आप लोग का GK का लाइव टेस्ट होता है, दोनों में पार्टिसिपेट करिए। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोग वेबसाइट पर विजिट करके पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया गया है। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वाले लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सीधा आप लोग करंट अफेयर के नवंबर के PDF के पास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ, डेली 4 बजे करंट कैप्सूल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।